नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं झारखंड वन रिपोर्ट 2019 पर आधारित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस का। इस सारे के सारे जो MCQ क्वेश्चंस है उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है जो जैसे CGL की तैयारी कर रहे हैं, JTET की तैयारी कर रहे हैं, JPSC की तैयारी। इन सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वन रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 साल में प्रकाशित किया जाता है भारत सरकार के साथ साथ झारखंड के सरकार के द्वारा। तो इस बार का जो वन रिपोर्ट है वो जो है आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हो सकता है कि आप 2017 और 2015 के वन रिपोर्ट पर आधारित सभी प्रश्नों के हल आप जानते होंगे, लेकिन इस बार लेटेस्ट 2019 के जो है झारखंड के वन रिपोर्ट पर आधारित ये सारे प्रश्न है। तो झारखंड वन रिपोर्ट 2019 पर आधारित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम यहाँ डिस्कशन करें जो है सभी के सभी MCQ क्वेश्चंस आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि झारखंड में वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 23,611.41 वर्ग किलोमीटर जो है झारखंड में वनों का कुल क्षेत्रफल है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड में कुल सघन वनों का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12,290.56 वर्ग किलोमीटर जो है झारखंड में कुल सघन वन का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में कुल क्षेत्रफल का वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, यानी राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वन का परसेंटेज है झारखंड में। तो और तो इसका सही आंसर होगा 29.62%, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिछले वन रिपोर्ट 2017 के मुकाबले इस बार के वन रिपोर्ट 2019 में राज्य में वनों की में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.01% जो है वृद्धि हुई है वनों में। तो यानी ऑप्शन नंबर डी सही होता है। भारत के कुल वनों का कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड के वनों का है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3.30% जो है भारत के कुल वनों का 3.30% हिस्सा जो है झारखंड के वनों का है। अगला प्रश्न है, राज्य में प्रति व्यक्ति वन कितना है, यानी हेक्टेयर में आपको यहाँ पर दी गई है सारे, तो कितना हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति वन झारखंड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होता है 0.096 हेक्टेयर, यानी 0.096 हेक्टेयर जो है प्रति व्यक्ति वन है झारखंड में अभी, और पिछली वन रिपोर्ट के में था 0.10 था प्रति व्यक्ति वन में जो है कमी हुई है पिछले वन रिपोर्ट के मुकाबले। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो इस बार के अनुसार वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार आपको बताना है कि राज्य में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लातेहार जो है अभी वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है। कितना परसेंटेज, तो होगा 56% जो है वन है इस लातेहार जिले में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। सबसे कम यहाँ आपको बताना है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जामताड़ा जो है सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है प्रतिशत की दृष्टि से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। तो यहाँ आपको बताना है कि कितना प्रतिशत है जामताड़ा में, तो इसका होगा 5.56% है, सिर्फ वन है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो है सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जो है ऑप्शन नंबर बी जामताड़ा ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4,387 वर्ग किलोमीटर जो है आरक्षित वनों का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा आरक्षित वनों का है? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा 18.58%, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के किस जिला में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक आरक्षित वन है? सर्वाधिक आरक्षित वन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक आरक्षित वन है हजारीबाग जिले में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होता है। कितना है तो आप नोट कर सकते हैं, 2.79 लाख हेक्टेयर आरक्षित वन है हजारीबाग जिले में। राज्य में जो है सुरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19,185 वर्ग किलोमीटर जो है सुरक्षित वन है झारखंड में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33 वर्ग किलोमीटर जो है राज्य में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। राज्य के किस जिला में अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? चार ऑप्शन हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साहेबगंज जिला जो है इस जिले में सर्वाधिक अवर्गीकृत वनों का क्षेत्रफल है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कुल वनों का कितना प्रतिशत हिस्सा अवर्गीकृत वनों का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.14%, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में अति सघन वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही आंसर होगा 2,603.20 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक राष्ट्रीय उद्यान है अभी झारखंड में और उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अगर इन सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक करते जाइए हमारे इस वीडियो को। राज्य में सामान्य सघन वनों का क्षेत्रफल कितना है? राज्य में सामान्य सघन वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9,687.36 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होता है। तो ये थे 20 MCQ क्वेश्चंस जो झारखंड के जो है वन रिपोर्ट 2019 पर आधारित थे। कैसे लगे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करेगा हमारे इस चैनल को, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।